सो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? सो विच इज़ बेस्ट, देखते हैं वीडियो के आगे। ग्रीन और ऑरेंज, मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ, ये वीडियो किसी भी रिलीजियस बेस पे नहीं है, तो अपना रिलीजियस का चश्मा उतार कर इस वीडियो को देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं ऑरेंज कलर से, जहाँ पे ऑरेंज कलर अपनी साइकोलॉजिक एडवांटेजेस के साथ में स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक कलर, जैसे कि येलो रेड इन्हीं की तरह स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक फील करवाता है। यहाँ बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैबिंग होता है, इसीलिए हम देखते हैं ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट में हमें ऑरेंज कलर देखने को मिलता है, जहाँ पे ऑरेंज कलर स्ट्रॉन्ग अटेंशन गेटिंग और साथ ही साथ हैप्पीनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और डार्क और कार्टूनिस्ट से एसोसिएटेड होता है। एज ए स्पिरिचुअल, अगर हम स्पिरिचुअलिटी के बेस पर देखें, तो ऑरेंज कलर हमें मेडिटेशन और कंपेशन के लिए मोटिवेट करता है। अब देखते हैं इस वीडियो की दूसरी साइड, ये कलर भी एक पर्टिकुलर कल्चर को दर्शाता है। अगर हम रिलीजियस बेस पर ना माने तो ये कलर कामिंग होता है, दैट्स व्हाई पीपल यूज दिस कलर इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। ग्रीन इज नेचुरल, सो जहाँ पे हमें ग्रीनरी और नेचुरल एनवायरमेंट मिलता है, वहाँ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस रिलीवर होता है और फोकस को बिल्ड करता है। ग्रीन इज मोटिवेटिंग ऑल्सो, जहाँ पर कुछ लोग इसे रिलैक्सिंग कलर की तरह देखते हैं, वहीं पे कुछ लोग इसे मोटिवेट होते हैं। दिस कलर इज ऑप्टिमिस्टिक, दिस कलर नॉट ओनली इन्फ्लुएंस अवर इमोशंस, साथ ही साथ हमारी मेमोरीज को भी इन्फ्लुएंस करता है। ग्रीन इज एनवायरस, जो कि पॉजिटिव फीलिंग्स को स्टिमुलेट करता है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, बगैर मत जाना। सो गाइज, इन दोनों ही कलर की अपनी अपनी जगह पर अपने अपने एडवांटेज थे। अगर हम रिलीजियस बेस पर ना मानते हैं तो दोनों ही कलर अपनी अपनी जगह पर साइकोलॉजिकली परफेक्ट थे।